जय श्री कृष्णा। आज हम हमारी यूनिट 6 एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी स्टार्ट करेंगे। इसमें हमने जो मेन चीज़ें पढ़नी है वो है इसका इंट्रोडक्शन, फिर पढ़ेंगे हम इसका क्लासिफिकेशन प्रिंसिपल, टेक्निकी की एफिशिएंसी है, क्या मैकेनिज्म है और कैसे ये क्रोमेटोग्राफीज होती है परफॉर्म, क्या इसका फ्रंट एंड एनालिसिस है, एवरीथिंग हम इसमें आज पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा है वो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का एग्जांपल पढ़ा था, जैसे पेपर क्रोमेटोग्राफी। इस यूनिट में हमने जो पढ़ना है वो पढ़ना है हमने कॉलम क्रोमेटोग्राफी। इसका जो मेन बेसिस है कि कैसे वर्कआउट करेगा वो है एड्सॉर्प्शन मैकेनिज्म। इसकी फर्दर डिटेलिंग हम चैप्टर के डिटेल व्यू में देखेंगे। देख लेते हैं इसके क्लासिफिकेशन। अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन के बेसिस पे, तो क्रोमेटोग्राफी जो होती है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट है उसका स्टेशनरी सपोर्ट का क्या शेप है, फिजिकल स्टेट क्या है मोबाइल फेस का, और उन दोनों के बीच में क्या इंट्रैक्शन है। अगर हम बात करें शेप ऑफ स्टेशनरी सपोर्ट में, तब इसमें हमारे पास 2 टाइप्स आते हैं, 2D और 3D। 2D में हमारा आता है पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड TLC थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। 3D में जो आएगा हमारा वो है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। अगर मैं लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी की बात करूं, तो जो आपका 2D क्रोमेटोग्राफी है, मतलब जो TLC है, वो यूज़ करने वाला है आपका सॉलिड सपोर्ट जो कि बना होता है प्लास्टिक या ग्लास मेटल का। और अगर हम 3D क्रोमेटोग्राफी की बात करें, उसमें आता है हमारा कॉलम क्रोमेटोग्राफी। इसका मेन प्रिंसिपल क्या है वो देख लेते हैं। जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी है वो यूज़ करेगा लिक्विड मोबाइल फेस और सॉलिड स्टेशनरी फेस, इसलिए जो ये है ये सॉलिड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। जो सॉलिड स्टेशनरी फेस यूज़ होगा इस टाइप के क्रोमेटोग्राफी में, सॉलिड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में जो स्टेशनरी सपोर्ट होता है वो होता है सिलिका जेल या एक्टिवेटेड एल्यूमिना, मैग्नीशियम कार्बोनेट, हाइड्रेटेड कैल्शियम सिलिकेट, फुलर्स अर्थ, सुक्रोस, ये कुछ आपके एग्जांपल है स्टेशनरी सपोर्ट के। इसके बाद हमारे पास और भी डिफरेंट टाइप्स के सपोर्ट प्रेजेंट होते हैं, जिसका डिफरेंट पार्टिकल साइज, सरफेस एरिया सब अलग अलग होता है। इस फिगर में जो आपको कॉलम दिखा रखी है ये सॉलिड सपोर्ट के साथ फिल्ड है। इसमें हमने क्या करना है, जिस मिक्सचर को हमें सेपरेट करना है उसको डिसॉल्व करना है हमें किसी सूटेबल सॉल्वेंट के साथ, और एक हमने स्लरी प्रिपेयर करनी है। इसके बाद हमने जो टॉप ऑफ द कॉलम है वहाँ पर इसको इंट्रोड्यूस करना है। जो मिक्सचर के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो एड्सॉर्ब हो जाएंगे कहाँ पे, स्टेशनरी फेस पे, अपने एक्सटेंट के अकॉर्डिंगली, जैसे उनकी एड्सॉर्प्शन एबिलिटी है वो अकॉर्डिंगली स्टेशनरी फेस में एड्सॉर्ब हो जाएंगे। इसके बाद जब हम मोबाइल फेस को इंट्रोड्यूस करते हैं स्टेशनरी फेस के ऊपर, जो कंपोनेंट है मिक्सचर का जो कि लीस्ट एड्सॉर्ब्ड है स्टेशनरी फेस में, वो मोबाइल फेस के साथ नीचे आ जाएगा, और जो स्ट्रांगली एड्सॉर्ब्ड है वो अभी भी इस कॉलम में यानी स्टेशनरी फेस में रहेगा, और जो आपका लीस्ट एड्सॉर्ब्ड है वो मोबाइल फेस के साथ नीचे यह बीकर में कलेक्ट हो जाएगा क्योंकि वो ल्यूट आउट हो चुका है। मोबाइल फेस को हमें कॉन्टीन्यूसली ऐड करते रहना है टॉप ऑफ द कॉलम में, और हमें इसका इल्यूजन जो है वो कलेक्ट करना है। इसके बाद हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फ्रैक्शंस आ जाएंगे, हम फ्लास्क में उनको कलेक्ट कर लेंगे, और अल्टीमेटली हमारे पास मिक्सचर के डिफरेंट कंपोनेंट्स फ्लास्क में कलेक्ट हो जाएंगे। एफिशिएंसी कितनी है इस टेक्निक की वो देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, कन्वीनियंट है, इफ़ेक्टिव है, ठीक है। एनी टाइप ऑफ मिक्सचर अकरिंग नेचुरली, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स या कोई भी सोर्स का हो, या सिंथेटिकली कोई भी केमिकल कंपोनेंट्स है, वो इजीली यहाँ से सेपरेट आउट हो जाएगा। बट हमें इस टेक्निक को करते हुए कुछ बातों का ध्यान रखना है कि हमने किस टाइप का एड्सॉर्बेंट या स्टेशनरी फेस यूज़ करना है। डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्पोनेंट्स जो हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्पाउंड्स जो मिक्सचर में प्रेजेंट हैं, वो एड्सॉर्प्शन डिफरेंट डिफरेंट तरीके से करते हैं। जो अनसैचुरेटेड एरोमेटिक और पोलर कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि अल्कोहल, एसिड्स, ये जो है ये पोलर एड्सॉर्बेंट
पे ही एड्सॉर्ब होंगे। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो सैंपल है हम सैंपल के हिसाब से ही एड्सॉर्बेंट यूज़ करें। अनसैचुरेटेड एरोमेटिक कंपाउंड के केस में हमने पोलर एड्सॉर्बेंट यूज़ करना है, जैसे मेटल ऑक्साइड। सिलिका जेल और मैग्नीशियम सिलिकेट जो होते हैं वो एसिडिक एड्सॉर्बेंट होते हैं और वो बेसिस को एड्सॉर्ब करेंगे। एलुमिना जो है वो आपका बोथ एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस को एड्सॉर्ब करेगा, ठीक है। इसके बाद जो सुक्रोस होगा वो वीकेस्ट एड्सॉर्बेंट होता है, चारकोल जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट एड्सॉर्बेंट होता है। इन एड्सॉर्बेंट को हम एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं? इनको हम एक्टिवेट कर सकते हैं हीट करके। जब ये अपना वाटर लूज़ कर देंगे तो और ये अपने मॉलिक्यूल्स को और ज़्यादा स्ट्रांगली एड्सॉर्ब करेंगे। द फॉलोइंग अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एड्सॉर्बेंट आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इट शुड बी कलरलेस और इजिली अवेलेबल एंड इट शुड बी इनएक्सपेंसिव एंड इट शुड नॉट बी ट्रीटेड विद अ सैम्पल, आई मीन रिएक्ट नहीं करना चाहिए सैम्पल के साथ, इसके साथ ट्रीटमेंट ना हो जाए, रिएक्शन ना हो जाए। सेकेंड पॉइंट जो हमें एड्सॉर्प्शन के बाद ध्यान रखना है वो है स्टेशनरी फेस का पार्टिकल साइज। इट्स पार्टिकल्स शुड बी ऑफ यूनिफॉर्म साइज़। जो स्टेशनरी फेस के जितने भी पार्टिकल्स हमने यूज़ करने हैं वो यूनिफॉर्म साइज़ के होने चाहिए। फाइनली डिवाइडेड नेचर ऑफ स्टेशनरी फेस लीड्स टू बेटर सेपरेशन। जो पार्टिकल साइज होता है उसका जो रेंज हम कंसिडर करते हैं, जो सजेस्टेड होता है वो होता है 44 to 149 माइक्रोन्स, और इसको सजेस्ट किया जाता है इसका मैश साइज़ जो होना चाहिए वो 100 to 200। मैश मतलब कितने इसके छेद हो, कितने होल्स हो। विथ स्टिल स्मॉल साइज कॉलम पैकिंग मे नॉट बी एफिशिएंट एंड इट मे कॉज इरेगुलर जोन्स। इसलिए जो पैकेजिंग है, कॉलम पैकिंग है, वो भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके बाद है सरफेस एरिया ऑफ स्टेशनरी फेस। सरफेस एरिया कैसा हो वो भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया अवेलेबल होगा उतनी ही ज़्यादा एड्सॉर्प्शन प्रेजेंट होगी। ऑल्सो द स्मॉलर साइज विल प्रोवाइड मोर सरफेस एरिया बट द साइज हैज़ टू बी ऑप्टिमली चूजन एज टू स्मॉल पार्टिकल साइज ऑल्सो स्लो डाउन द मोबाइल फेस एंड कैन हैव क्रैक्स इन द कॉलम। इसलिए हमारा जो सरफेस एरिया है वो भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा। लेंथ ऑफ द कॉलम, लॉन्गर द लेंथ बेटर विल बी द सेपरेशन। जितनी लंबी हमारी कॉलम होगी उतना ही बेटर हमारा सेपरेशन होगा। इसके बाद सैंपल टू एड्सॉर्बेंट रेशो अर्ली 1:20 to 1:50 के बीच में हम इसको कंसीडर करते हैं कि हो। और इसके बाद हमारा है मेन इम्पॉर्टेंट मोबाइल फेस। हम मोबाइल फेस को कैसे यूज़ करेंगे? ये विस्कस नहीं होना चाहिए, ये अगेन कॉम्पोनेंट से रिएक्ट नहीं करना चाहिए। इसका जो फ्लो रेट है वो भी यूनिफॉर्म होना चाहिए, ना कि फास्ट, यूनिफॉर्मली हो तभी अच्छे से हमारे पास सेपरेशन होगी कंपोनेंट्स की। अब मैकेनिज्म सेपरेशन क्या होता है? सेपरेशन प्रोसेस के टाइम में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। हाउ स्ट्रांगली द कंपोनेंट इज एड्सॉर्ब्ड टू द स्टेशनरी फेस, कितना स्ट्रांगली जो हमारा कंपोनेंट है वो एड्सॉर्ब हुआ है, मेन इंपॉर्टेंट थिंग है। स्टेशनरी फेस का कितना सरफेस एरिया है ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद व्हाट इज़ द बाइंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ द मोबाइल फेस, is there to get adsorbed on the stationary face, ठीक है। How much it can displace the adsorbed component, components को कितना displace कर सकते हैं, इसकी strength कितनी है, कितना power है mobile face का, वो भी important है। अच्छा, इसमें जो हमारे पास adsorption में कुछ हमारे पास bonding uses जैसा hydrogen bonding, van der Waals forces, ये कुछ ऐसे interactions हैं जो basically यहाँ पर involved हुए हैं। हेंस द पोलैरिटी ऑफ मोबाइल फेस विल ऑल्सो इफेक्ट हाउ इफेक्टिवली द सेपरेशन कैन बी कैरिड आउट। जैसे अगर हम सिलिका जेल यूज़ करेंगे जो कि पोलर है इन नेचर, तो पोलर सॉल्वेंट मे हैव बेटर इंट्रैक्शन एज कम्पेयर टू द नॉन पोलर वन। तो हमें इसके साथ साथ कि एड्सॉर्प्शन तो इवॉल्व है, इसके साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन से यहाँ पर बॉन्डिंग आप ऑब्जर्व करेंगे, कौन कौन सी बॉन्डिंग देखेंगे। अगर पोलैरिटी है मोबाइल फेस में तो ये बहुत अच्छे से रिएक्ट करेगा उन स्टेशनरी फेस के साथ जो ऑलरेडी पोलर हो नेचर में, ठीक है। तो पोलर स्टेशनरी है तो पोलर मोबाइल हमने यूज़ करना है, पोलर मोबाइल फेस हमने यूज़ करना है। इसके बाद हमारे पास एड्सॉर्प्शन एंड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी।
अभी तक हमने स्टडी करी है एडसॉर्प्शन और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स की। जो कुछ कॉमन पॉइंट्स हमें मिले हैं, दोनों ही क्रोमेटिक टेक्निक जो है यूज़फुल है कंपोनेंट्स के सेपरेशन में, और दोनों ही टेक्निक यूज़ करती है मोबाइल और स्टेशनरी फेस को। हाउएवर कुछ मेन डिफरेंस है वो देख लेते हैं, इनके क्या डिफरेंस है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यूजुअली पूछा जाता है कि दोनों के बीच क्या कॉमन और क्या डिफरेंस पॉइंट्स हैं। एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में जो कंपोनेंट्स का सेपरेशन होता है वो एडसॉर्प्शन के बेसिस पे होता है, जबकि जो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है उसका जो सेपरेशन होता है वो होता है पार्टीशनिंग बिटवीन द स्टेशनरी एंड मोबाइल फेस। इस केस में एडसॉर्प्शन, इस केस में पार्टीशनिंग। सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस है कि जो एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है वो लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी है, बल्कि जो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है वो लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है। एडसॉर्प्शन में हमें मोर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट होती है, पार्टीशन में इतने ज़्यादा सॉल्वेंट और टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसके बाद मोबाइल फेस शुड बी यूज्ड एंड अदर फैक्टर नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ वाइल सेपरेटिंग दिस यूजिंग दिस क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक। इसके बाद हमारे पास कुछ डेवलपमेंट है क्रोमेटोग्राम्स का, कैसे डेवलपमेंट होता है, फ्रंटल एनालिसिस ये यूजुअली पूछ लेते हैं, तो इसके बारे में देख लेते हैं कि फ्रंटल एनालिसिस क्या चीज़ होती है। लेट द मिक्सचर थ्री कंपाउंड्स वी हैव टेकन एक्स वाई जेड, जिसे हमने यूज़ करना है सेपरेट करने के लिए विद द हेल्प ऑफ फ्रंटल एनालिसिस। इन विच सच ए मिक्सचर इज शोन इन द कॉलम एज द टॉप लेयर। थ्री कंपोनेंट्स है एक्स वाई जी, जो हमको यहाँ पे रेड ब्लू और ग्रीन कलर में शो हो रहा है। ये आपको डिफरेंट कलर में एक्स वाई जी कलर शो हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले एक्स वाई जी कॉलम में डालने से पहले कॉलम को हमने सैचुरेट करना है मोबाइल फेस से। हमने इसके बाद लार्ज अमाउंट ऑफ एक्स वाई जी इंट्रोड्यूस करना है। इसके बाद जो मोबाइल फेस है वो कॉन्टीन्यूसली हमने ऐड करते रहना है। जो लीस्ट एड्सॉर्बेंट कॉम्पोनेंट है इस एग्जाम्पल में जो दिखाया गया था वो है आपका एक्स, जो लीस्ट एड्सॉर्ब्ड है वो सबसे पहले इल्यूट आउट होगा। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट फ्रैक्शन होगा वो एक्स वाई का इल्यूजन होगा। फाइनली हमारे पास थर्ड फ्रैक्शन होगा जिसमें एक्स वाई जेड तीनों ही प्रेजेंट होंगे। तो इसके बाद हमने यहाँ पर स्टडी करना है, इन सच मोड ऑफ सेपरेशन ओनली वन कॉम्पोनेंट हैज़ बीन ऑब्टेंड इन द प्योर फॉर्म, और वो है आपका एक्स, जो कि लीस्ट एड्सॉर्ब्ड हुआ था। सच सेपरेशंस आर यूज्ड वर यूज्ड लॉन्ग बैक व्हेन क्रोमेटोग्राफी मेथड्स वर नॉट दैट मच एडवांस। तो उस केस में हमने फ्रंटल एनालिसिस हम तब करते थे जिसमें हमें, जैसे इस केस में सिर्फ एक्स ही प्योरेस्ट फॉर्म में मिला था क्योंकि यही लीस्ट एड्सॉर्ब्ड था। इसके बाद हमें जितने भी इल्यूजन्स मिले हैं वो हमें मिक्सचर मिले थे। इसके बाद हमारा डिस्प्लेसमेंट मेथड, हेयर अगेन वी स्टार्ट विद द सेम मिक्सचर बट दिस टाइम वी ऐड डिस्प्लेसिंग एजेंट विद द मोबाइल फेस। इसके बाद हमने सारे कंपोनेंट्स एक्स वाई जी को स्ट्रांगली एड्सॉर्ब कराया स्टेशनरी फेस में। इसके बाद जो डिस्प्लेसिंग एजेंट लिया है ये इट इज़ मोर स्ट्रांगली एड्सॉर्ब देन एनी ऑफ द कॉम्पोनेंट। जो भी आपने डिस्प्लेसिंग एजेंट यहाँ पर लेना है वो एक्स वाई जी के एड्सॉर्प्शन से ज़्यादा स्ट्रांगली वो एड्सॉर्ब्ड हो, ऐसा हमने यूज़ करना है, सो दैट ये कॉम्पीट कर सके। किनको, एक्स वाई और जी को, किस लिए कॉम्पीट कर सके, उनकी एड्सॉर्प्शन साइट्स के लिए। और क्योंकि वो कॉम्पीट करेगा और फिर ये उनसे ज़्यादा स्ट्रांगली एड्सॉर्ब्ड होगा, तो इसलिए ये इनको फिर डिस्प्लेस कर पाएगा मोबाइल फेस में और हमारे पास उनकी इल्यूजन्स आ जाएंगी। द ऑर्डर इन विच एक्स वाई जी आर डिस्प्लेस्ड विल बी अकॉर्डिंग टू द फैक्ट दैट द लीस्ट आउट ऑफ द थ्री विल बी डिसऑर्डर्ड फर्स्ट एंड हेंस इल्यूटेड फर्स्ट। एक्स वाई जी तीनों ही एड्सॉर्ब्ड हुए हैं बट जो लीस्ट एड्सॉर्ब्ड हुआ है उनको सबसे पहले हमारा डिस्प्लेसिंग एजेंट डिस्प्लेस कर पाएगा और सबसे पहले वो इल्यूट आउट हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इस केस में एक्स को लीस्ट एड्सॉर्ब कंसिडर किया, तो इसलिए हमारा सबसे पहले जो इल्यूट आउट होगा वो होगा एक्स। इसके बाद हमारे पास फ्रैक्शंस होंगे, एक्स एंड वाई विल बी इल्यूटेड आउट टुगेदर, दैट इज़ वाई विल ऑल्सो गेटिंग डिस्प्लेस्ड अलॉन्ग विद द एक्स, और इसके बाद प्योर वाई विल गेट इल्यूटेड आउट।
इसके बाद हमारे पास वाईजेड वो भी स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा और लास्ट में हमारे पास प्योर जी वो इल्यूट आउट हो जाएगा। हेंस दिस मेथड इज नॉट परफेक्ट फॉर सेपरेशन एज द क्वांटिटेटिव अमाउंट्स ऑफ एक्स वाई जी आर नॉट ऑब्टेंड एट द एंड ऑफ द प्रोसीजर। हमें मिल तो गया अलग अलग, वो एक्स अलग मिल जाएगा, वाई और जेड अलग मिल जाएगा, बट जो इनकी क्वांटिटी है वो इतना परफेक्टली नहीं मिलने वाला है। नॉट परफेक्ट फॉर सेपरेशन इज द क्वांटिटिव अमाउंट ऑफ द प्योर एक्स वाई जी आर नॉट अप्रोप्रिएट। नेक्स्ट हमारे पास है इल्यूजन मेथड। अगेन हमने इसमें सॉल्यूशन के स्टार्ट करना है, एक्स वाई जी एट द टॉप ऑफ द कॉलम हमने इंट्रोड्यूस करना है। इसके बाद हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम इल्यूजन आइसोक्रेटिक इल्यूजन करें या फिर हम करें ग्रेडिएंट इल्यूजन। आइसोक्रेटिक इल्यूजन में क्या होने वाला है, द सॉल्वेंट और मोबाइल फेस हैविंग द सेम कंपोजिशन इफ़ मिक्सचर ऑफ टू और मोर सॉल्वेंट्स इज टेकन इज यूज्ड थ्रू आउट द सेपरेशन प्रोसेस। हमने जो मोबाइल फेस यूज़ करना है उसका सेम कंपोजिशन में है। डिफरेंट फ्रैक्शंस ऑफ कॉम्पोनेंट्स स्टार्ट्स अपीयरिंग एज डिफरेंट बैंड्स इन द कॉलम डिपेंडिंग अपॉन विच कॉम्पोनेंट्स गेट इल्यूटेड फर्स्ट। अगेन जो लीस्ट होगा वो पहले ही आउट हो जाएगा। इस केस में अगेन एक्स को हमने कंसिडर किया है, बट जो हमारे दूसरे हैं वाई और जी वो अभी भी एब्जॉर्ब्ड हुए हैं, बट वो डिफरेंट एक्सटेंट तक एब्जॉर्ब हुए हैं, उनके सरफेस के ऊपर डिफरेंट एक्सटेंट तक एब्जॉर्ब्ड हुए हैं। देन द यूज़ ऑफ सिंगल सॉल्वेंट यानी कि मोबाइल फेस ऑफ द सिंगल कॉम्पोजिशन मे नॉट बी एबल टू मूव वाई एंड जी डाउन द कॉलम अलॉन्ग विद द मोबाइल फेस। इसलिए हमने क्या यूज़ करना है, फिर यूज़ करना है हमने ग्रेडियंट इल्यूजन। हम क्या करेंगे, हमने सॉल्वेंट्स यूज़ करना है डिफरेंट पोलैरिटीज़ का, मतलब ये कि उनकी इंक्रीजिंग पोलैरिटी के हिसाब से हमने सॉल्वेंट्स यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेडियंट इल्यूजन है ना। ग्रेडियंट का मतलब ही होता है धीरे धीरे बढ़ना, तो इंक्रीजिंग पोलैरिटीज़ को हमने यहाँ पर यूज़ करना है सॉल्वेंट्स विद डिफरेंट बट इंक्रीजिंग पोलैरिटीज़। तो इसके बाद Y और Z जो है हमें वो प्योर फॉर्म में मिलेगा। ऑल द थ्री कॉम्पोनेंट्स X, Y, Z कुड बी सेपरेटेड इन प्योर फॉर्म क्वांटिटेटिवली यूजिंग दिस इल्यूजन मेथड। इसके बाद हमें तीनों ही प्योरेस्ट फॉर्म में मिल जाएंगे। आई होप आपको ये मेथड्स क्लियर हो चुके हैं। अगर मैं देखूं इल्यूजन मेथड को ब्रीफ आउट करने की कोशिश करूं, इसमें और बाकी में क्या डिफरेंस है, इल्यूजन मेथड में अगेन हमने तीनों ही कंपोनेंट्स डाले थे, बट इसमें हमने जो मेन चीज़ का ध्यान रखा था वो ये था जो हमने यूज़ करा है ग्रेडियंट इल्यूजन। हमने जो सॉल्वेंट यूज़ किया है वो डिफरेंट पोलैरिटीज़ के साथ यूज़ किया था। अब क्योंकि इंक्रीजिंग पोलैरिटीज़ हो रही है तो हमारे पास यहाँ पर वाई और जी प्योर फॉर्म में ऑब्टेन हो जाएंगे। एक्स तो हमें पहले मिल ही गया था क्योंकि ये लिस्ट एब्जॉर्ब था। अच्छा, इसके बाद हम देख लेते हैं। यस, वी हैव डन दिस चैप्टर। हमारा ये यूनिट 6 एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी फिनिश हो चुका है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया है, पसंद आया है। पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम।